अब आइए इस ट्रेनिंग के दो एस्पेक्ट मैं सिर्फ आपके सामने रखूंगा। बहुत ज्यादा रखने का टाइम नहीं है क्योंकि हमारे ये 1 घंटे का ही सेशन है। इंशाल्लाह एनएलपी प्रैक्टिशनर में जब आएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ आप समझेंगे। यहां पर जो मैं बातें बताने जा रहा हूं, ये समझिए कि ये दो पे भी अगर आप जिंदगी में काम कर ले तो बड़ी तब्दीली आपकी आ सकती है। 10x प्रोडक्टिविटी अगर आप जिंदगी में हासिल करना चाह रहे हैं, जबरदस्त तेज रफ्तार अपने अंदर प्रोडक्टिविटी हासिल करना चाह रहे हैं, तो ये जो मैं फार्मूला आपको बताने जा रहा हूं इसको अपने अंदर इंप्लीमेंट कीजिए, जिसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। किसी को मालूम है बटरफ्लाई कैसे काम करती है? कोई माइक खोल के बता सकते हैं बटरफ्लाई कैसे काम करती है? मालूम है किसी को कैटरपिलर और उसके बाद जो है बटरफ्लाई कैसे होती है, क्या होता है उसका? राइट, चलिए मैं आपको बताता हूं। आप में से कितने लोग हैं जब आपको एक ईमेल करने के लिए आपने दिमाग में सोचा, आप कंपनी में काम कर रहे हैं या अपना बिजनेस है या आपका कोई भी इस तरह का है, आप ईमेल या ये कहिए कि आप कोई इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हैं घर का, कोई आप अगर हाउसवाइफ हैं तो घर का कोई टास्क कर रहे हैं, आप एक टास्क के लिए आप किचन में पहुंचे और वो टास्क छोड़ करके दो तीन दूसरे काम करते रहे, 1 घंटे के बाद याद आया कि अरे ये काम के लिए तो मैंने किचन में गए थे लेकिन वो काम ही नहीं हो सका। या ईमेल आपने खोला किसी को ईमेल करने के लिए, या फिर व्हाट्सएप पे कोई मैसेज देने के लिए आपने फलां शख्स को मैसेज देना आपने खोला, और जैसे ही आपने खोला फौरन पॉपअप हुआ एक मैसेज, और वो मैसेज को देख करके, वो मैसेज को आपने खोला उसमें बहुत सी चीजें पढ़ा, एक अच्छी वीडियो नजर आई या एक मैसेज नजर आया उसमें देखा आप, फिर थोड़ी देर के बाद ये हुआ कि वो मैसेज भी आप देखते रहे और फिर होते 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 मालूम ही नहीं पड़ा कि 1 घंटा खत्म हो गया। फिर बाद में एक्चुअल में तो मेरे को वो उस शख्स को मैसेज देना था, उस शख्स को ईमेल करना था, मैंने किया ही नहीं है। दूसरे लोगों की टू डू लिस्ट में हम जो है गिरफ्तार हो जाते हैं और इंपॉर्टेंट टास्क भूल जाते हैं। कितने लोगों को ऐसा होता है, आप चैट बॉक्स में लिख करके बताएं, यस मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर दें। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो है ना बावजूद कोशिश के टास्क पर फोकस नहीं कर पाते, बहुत से इंपॉर्टेंट टास्क में आप बिजी थे, 10 मिनट के बाद ऐसा हुआ एक क्लिक आ गया कि आप वो चा आपको जो है ना वो इंपॉर्टेंट टास्क करते करते साइड ट्रैक पे पहुंचते। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सोच करके आज ये मेरे को टास्क कंप्लीट करना ही करना है, ये मेरे को बात ये काम कंप्लीट करना ही करना है, अपने सोच करके बैठे 10 मिनट भी नहीं होते कि फौरन आप स्विच कर जाते हैं और दूसरे काम में लग जाते हैं। कभी व्हाट्सएप देखते हैं और व्हाट्सएप में आपका आधा घंटा चला जाता है, फिर उसके बाद किसी का इंपॉर्टेंट मेल आता है वो मेल देख लेते हैं और किस चीज़ में चला जाता है। बच्चा आकर के, मेरा छोटा बच्चा आके मुझे यूं यूं करता है तो मेरा दिमाग चेंज हो जाता है और मैं कहीं और चला जाता हूँ। कितने लोगों को ऐसा होता है, जरा ये चैट बॉक्स में लिखें। यस यस यस, किसी को नहीं होने का सवाल ही नहीं है, राइट? क्यों? क्योंकि ये है बटरफ्लाई इफेक्ट, इसे कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। ये हर एक की जिंदगी में होता है, और यकीन जानिए कि इस बटरफ्लाई को पैदा होने से पहले अगर आप किल करने में कामयाब हो जाए तो आपकी लाइफ में जबरदस्त तब्दीली आ सकती है। अगर आप जायजा लेकर के देखें तो आपको मालूम होगा कि एक सर्टेन पैटर्न है आपके लाइफ में। किचन में पहुंचते ही एक सर्टेन इग्निशन आपके अंदर होता है जिसकी वजह से जो है आप दूसरे काम पे लग जाते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट टास्क करने के लिए आप बैठ जाते हैं, सर्टेन पैटर्न आपके अंदर रहता है जिसकी वजह से 10 मिनट के अंदर आप जो है वहां से रुखसत हो जाते हैं या वो टॉपिक छोड़ करके दूसरे टास्क पर पहुंचते हैं। या आप देखेंगे कि व्हाट्सएप के मैसेज जैसे ही आप खोलते हैं तो इमीडिएटली आपको जो पॉपअप होता है वो एक सर्टेन बटरफ्लाई है जो आपके दिमाग में पैदा होती है। ये एक बिलीफ है जो आपके अंदर जो है ना उसको शिफ्ट करती है, आपके वैल्यूज के अंदर जरा सा ठहराव नहीं है यानी कि स्ट्रेंथ नहीं है जिसकी वजह से आप उस तरफ जाते हैं, आपके इमोशंस हैं जो आपको उस तरफ जाते हैं, यानी कि कैची किसी का नाम नजर आया, कोई कैची ग्रुप में कोई मैसेज आ गया, एक वीडियो नजर आ गया, तो आप किसी को मैसेज देने की जगह पर जिसे कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देना था उसके बावजूद आप देखते हैं कि कोई वीडियो देखने लग जाते हैं, इमोशनल आपको अटैक होता है और उस तरफ जाते हैं। तो ये छोटे छोटे बटरफ्लाई है जो आपको टेक ओवर कर लेती हैं और जिसकी वजह से जो है ना आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं लाइफ में। ये होता है ना, राइट? कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, जब आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं तो आपके घंटे के घंटे चले जाते हैं, कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट लाइफ में नहीं आ पाता है। हाउ टू ओवरकम दिस, किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं इसको? डू वी नीड विल पावर, क्या चाहिए हमारे को इसको ओवरकम करने के लिए? कोई बता सकते हैं बटरफ्लाई को कैसे ओवरकम करें? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ बटरफ्लाई, ओके? पहला बटरफ्लाई है जिसे फिजिकल बटरफ्लाई कहते हैं, यानी कि कोई फिजिकल काम कर रहे हैं आप, फिजिकल काम करने के लिए, इंपॉर्टेंट फिजिकल काम करने के लिए आप गए,
और दूसरे किसी फिजिकल काम में पहुंच गए। जैसे मिसाल के तौर पर आप खाना रखने के लिए, आप चूल्हे पर खाना पकाने के लिए गए, फौरन आपको वहां पर कोई चीज नजर आई सही नहीं था, तो आपने जो है वाश बेसन में जो है धोना, सिंक में धोना शुरू कर दिए और आप जो है ना धोने में लग गए। फिर आधे घंटे के बाद दूध रखना था, आप दूध रखना भूल गए, दूसरे काम में लग गए। तो ये फिजिकल बटरफ्लाई है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे आकर के कोई बात कह देते हैं, फिजिकली कोई बात कह देते हैं, आप उसमें चले आते हैं। और इसमें दूसरा ये होता है वो इमोशनल बटरफ्लाई है, यानी बच्चे ने आकर के कोई इंपॉर्टेंट, जो बच्चे दोनों बेटे लड़ रहे थे और आकर के उन्होंने फौरन कोई बात कह दी, तो आपका जो है बटरफ्लाई काम करेगा, इमोशनल बटरफ्लाई में आप चले जाएंगे और बच्चों को सुधारने या बच्चों को सही करने में आप चले जाएंगे और आपका जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो खत्म हो जाएगा। तो अगर हम इसका जायजा लेकर के देखें तो ये तीन बटरफ्लाई हैं जो हर एक की जिंदगी में आते हैं और ये सबसे ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि हमारी एनर्जी को तबाह करने वाले बटरफ्लाईज हैं। इसको कैसे खत्म करना चाहिए? एनएलपी हमारे लिए बहुत कुछ इसमें सिखाती है। एनएलपी प्रैक्टिशनर कोर्स में आप इन तमाम बटरफ्लाई को कंट्रोल करने वाले बनेंगे, लेकिन मैं आपको इस शॉर्ट वक्त में इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि किस तरह से आप इस बटरफ्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। राइट? चाहेंगे कितने लोग चाहेंगे कि इस बटरफ्लाई को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको सपोर्ट करूं? फिजिकल बटरफ्लाई, इमोशनल बटरफ्लाई, इंटेलेक्चुअल बटरफ्लाई, आप व्हाट्सएप चैट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए कि कितने लोग चाहते हैं कि इस बटरफ्लाई को वो कंट्रोल कर सके। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन जी। इंटेलेक्चुअल बटरफ्लाई बेसिकली ये है कि जैसे आपको कोई, आप काम कर रहे हैं, समझिए मिसाल के तौर पर आप कोई लिख रहे हैं, आप किसी चीज़ पर कोई चीज़, आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, या फिर आप कोई कॉलेज का, स्कूल का, घर का कोई काम कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ आप काम कर रहे हैं, उस वक्त जहन में एक बात आई कि आज जो है किसानों की जो हालत ख़राब है हिंदुस्तान में, बहुत टफ सिचुएशन है, इसमें जो है ना पुष्टिपति लोगों का, यानी कि पैसे वाले लोगों का जो है बड़ा हाथ है, इसमें इंटरनेशनल माफिया भी इन्वॉल्व होगा, इसमें फलां लोग भी होंगे, ये आपके जहन में आया तो आप इंटेलेक्चुअली आप सोचना शुरू करेंगे, पॉलिटिकल लेवल पर आप जाना शुरू करेंगे, उससे आगे बढ़ करके बहुत सी आपके डिफरेंट आस्पेक्ट पर आप गौर व फिक्र करना शुरू करेंगे। दिस इज वॉट कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बटरफ्लाई। समझ में आ गया जी रजवी साहब? ओके फाइन। तो ये तीन तरह की बटरफ्लाई है, एक फिजिकल बटरफ्लाई है, एक इमोशनल बटरफ्लाई है, इंटेलेक्चुअल बटरफ्लाई है, और ये तीनों को कॉन्कर करने का बहुत आसान मैं नुस्खा दूंगा आपको और जिससे आपको बड़ा फायदा होगा। इसकी तफसीलात बताइए जी। तो बटरफ्लाई का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि कोई काम करने जा रहे हैं, जैसे ईमेल चेक कर रहे हैं या व्हाट्सअप चेक कर रहे हैं, तो आप मुझे एक मैसेज करना चाह रहे हैं, आपने व्हाट्सअप खोला और आप मुझे मैसेज करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो क्या होगा आपके दिमाग में? फौरन समझे कि एक बेहतरीन ग्रुप है जिसको हमेशा आप एक्सेस करते हो, उसमें बहुत मोटिवेशनल बातें हमेशा आती हैं, वीडियो आता है या कोई अच्छी तहरीर आ जाती है, कोई राइटअप आ जाता है, तो आपने वो देखा कि वहाँ पर दो मैसेज हैं, क्लिक करके देखेंगे बोल के आप जस्ट क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं वहाँ एक ज़बरदस्त जो है राइटअप रहता है, वो राइटअप पढ़ना शुरू करते हैं, उसमें जो है इमोशनल बातें रहती हैं कि तुम अगर अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा, फला होगा, और अब आप माँ के ख्यालों में घूमेंगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये होगा कि मैंने अम्मी के साथ ऐसा करना था, मैं नहीं कर सका, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, फला, फिर इमोशनल आप उसमें चले जाएंगे। फिर बाद में सोचेंगे कि हर एक के साथ ये मामला होता है, चाहे मैं जॉब छोड़ के मैं इंडिया चला जाऊँ, ये होना चाहिए मेरे साथ, आप उसमें चले जाएंगे वहाँ पर। फिर आप इंटेलेक्चुअली सोचेंगे कि अगर मैं जॉब छोड़ दूंगा तो मेरी लाइफ का क्या होगा। इस तरह से मुख्तलिफ अंदाज में आप इमोशनल बटरफ्लाई में पहुंचेंगे, फिर वहां से इंटेलेक्चुअल बटरफ्लाई में पहुंचेंगे, फिर वापस फिजिकली आएंगे, अपने आप को डिप्रेस महसूस करेंगे, अपने अंदर कमजोरी महसूस करेंगे, ये फिजिकल बटरफ्लाई में आएंगे। एक घंटा होने के बाद आपको आता है एक्चुअल में मैं तो हशमत को मैसेज करना था, वो मैसेज ही नहीं कर पाया। दैट इज व्हाट बटरफ्लाई। तो ये बटरफ्लाई कैसा होता है, अब मैं चाहूंगा कि आप में से हर शख्स 2 मिनट के लिए आंख मूंछे और जायजा लेकर के देखे, पेन एंड पेपर अगर आपने लिया है तो उस पर लिखे कि कौन सी बटरफ्लाई फिजिकली आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। आंख मूंछे, गौर करें कहां पर बटरफ्लाई शुरू होती है, ईमेल, व्हाट्सएप, और ये चीजें तो मैंने बता दी है, सोशल मीडिया, इसके साथ साथ कौन से ऐसे बटरफ्लाई हैं जो आप, जैसे आप जाकर के डेस्क पर बैठे, आज मुझे कुछ ना कुछ लिखना है, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करना है, वो कौन सी बटरफ्लाई है जो आपको कचोके देती है, आपको परेशान करती है? 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए आप आंख मूंछिए और सोचिए, गौर कीजिए कि कैसे बटरफ्लाई पैदा हो रही है। अब मैं चाहूंगा कि जैसे ही वो बटरफ्लाई शुरू हो रही है, स्टॉप कीजिए अपने आप को,
आंख मुछे रहिए और जस्ट स्टॉप कीजिए, स्लोली रिवाइंड कीजिए और फिर बटरफ्लाई हो शुरू होने तक के प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए स्लोली, जहाँ से आप शुरू हुआ, जैसे आपने हाथ में मोबाइल लिया, व्हाट्सअप खोला और जैसे ही व्हाट्सअप पे मैसेज डालने के लिए आपने किया, तो जैसे ही बटरफ्लाई जैसा वो व्हाट्सअप ग्रुप आया, आपने रुक गए अपने आप को। अब क्या करना है, ऊपर पहुँचना है आपको, क्लिक करना है मेरा नाम हशमत और फिर जो है ना मेरे नाम पर क्लिक करना है। आपको इधर उधर चार पाँच पॉपअप मैसेज आए हैं उसको नहीं करना है, मेरे नाम पर क्लिक करना है, मैसेज करना है हेलो और भेज देना सलाम वालेकुम लिख करके। एक बार आपने किया फिर रिवाइंड कीजिए, सेम स्टोरी को रिवाइंड कीजिए 5 से 6 मरतबा दिमाग में, ये विजुअलाइजेशन प्रोसेस कीजिए। दिस इज वेरी इफेक्टिव प्रोसेस। आप पहले तो जितने आपके फिजिकल बटरफ्लाई हैं, जितने इमोशनल बटरफ्लाई हैं, जितने इंटेलेक्चुअल बटरफ्लाई हैं, उसको पहले नोट डाउन करें, फिर उसके बाद आँख मुझ करके ये पूरे प्रोसेस को कीजिए, बहुत ही स्लो डाउन ये प्रोसेस कीजिए अंटिल बटरफ्लाई स्टार्ट। जैसे ही बटरफ्लाई स्टार्ट होती है वहाँ पर बंद कीजिए, आप स्टॉप कीजिए अपने दिमाग में, फिर वापस जाइए और प्रोसेस को फिर एक बार स्लोली फॉरवर्ड कीजिए और फिर जैसे ही बटरफ्लाई आया वहाँ बंद कीजिए, जो काम करना है करिए, चाहे वो ईमेल का मामला हो, किचन का मामला हो, वॉशरूम जाने का मामला हो, बच्चों के आपको प्रॉब्लम पैदा करने का मामला हो, कोई लिखने की काम हो, कोई भी चीज़ हो, इन तमाम चीज़ों को ये प्रोसेस करें और बैठे सुकून से 10-15 मिनट के लिए पूरे बटरफ्लाई को लिखिए पहले, उसके बाद बटरफ्लाई को लिखने के बाद इस पर आप वर्कआउट करिए। मैं समझता हूँ ये एस्पेक्ट आपको सबको समझ में आ गया। ये बेसिकली एनएलपी की पैटर्न किलिंग टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं। बेसिकली एनएलपी का जो कॉन्सेप्ट है, जिसे फोबिया में भी इसका एडवांस वर्जन है, जिसे फास्ट फोबिया के नाम से हम जानते हैं, मैं अगर उसका जब एनएलपी प्रैक्टिशनर में आप लोग आएंगे तो मैं फास्ट फोबिया जब आपको समझाऊंगा ये बात आपको समझ में आएगी। जी रजवी साहब हाथ उठाएं, आप सवाल कीजिए। राइट एग्जैक्टली सही है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया। जैसे ही अगर इमोशनल बटरफ्लाई आ गए, बच्चे ने कहा कि भाई ये अबू मेरे भैया मार रहे हैं, ये इस वक्त आप इमीडिएटली काम ये करना है कि आप टाइम लिख दें आप पेपर पे कि मैं अगले 4 मिनट के बाद आकर के टास्क को करूँगा। देन यू हैव सेट योर माइंड सेट, आपने माइंड सेट सेट कर दिया कि 4 मिनट के बाद आकर के मैं काम को यहाँ से शुरू करूँगा। देन आप बच्चों को एड्रेस कीजिए, 4 मिनट के अंदर आप वाइंड अप कीजिए, आकर के उस मुकाम पर बैठ जाइए। यूजुअली ऐसा होता है कि जब हमने अपने फोकस नहीं किया, जो टास्क है उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ दें, तो दूसरे बहुत से इंटरफ्रेंस आएंगे जिसकी वजह से आपके अंदर टेम्परमेंट आएगा, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि आपका एक इंपॉर्टेंट टास्क भी नहीं हो रहा है और दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क आपके पास आया, और इन दोनों को बैलेंस नहीं करने की वजह से बहुत से मसाइल आपकी लाइफ में आते हैं। तो बटरफ्लाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले आप इसको विजुअलाइज करें, इसको किल करें विजुअलाइजेशन में। जब आप ये प्रोसेस बार बार कर देंगे तो आप स्मूथली एड्रेस करेंगे अपने बच्चों के इशू को भी, स्मूथली एड्रेस करेंगे अपने फैमिली इश्यूज को भी, स्मूथली एड्रेस करेंगे आपके किचन के इश्यूज को भी, स्मूथली एड्रेस करेंगे आपके हस्बैंड के इश्यू को भी अगर वाइफ यहाँ पर मौजूद है, और या वाइफ के इश्यूज को भी हस्बैंड यहाँ पर मौजूद हैं, या फिर बच्चे जो है अपने माँ बाप के इश्यूज को भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे मुझे और आपको समझने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट दैट इज बटरफ्लाई इफेक्ट। इसका मुख्तलिफ एस्पेक्ट है जो हम एनएलपी प्रैक्टिशनर में बताते हैं, जैसा मैंने कहा कि फोबिया का इशू है या इस तरह की मुख्तलिफ चीज़, ये मैंने एक बात बताई, हो